एक ऐसा फार्मूला बनाया, ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसा दिमाग को सेटअप किया है कि अगर मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा तो देश का हर बच्चा, हर घर, हर परिवार सुखी, संपन्न और एजुकेटेड होगा। मेरे दिमाग से मैं जो सोचता हूँ, मेरा विजन और मिशन है कि मैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊँ जिसकी फीस बहुत कम हो। मैं किसी के कंपटीशन में नहीं बात कर रहा हूँ, जिसकी फीस कम हो। आज जो भी बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर या मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रहा है, जो गरीब है, जिसके पिता ऑटो रिक्शा चला करके, जिसकी 15,000 सैलरी है, जिसका 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, उसका बच्चा वो ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता। तो मेरा मिशन विजन है कि वो ऐसे बच्चों को बिना संघर्ष किए हुए, वो जो करना चाहता है, स्टार बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, उसे वह हक मिले, वो अधिकार मिले, वो संघर्ष ना करे, उसका टाइम वेस्ट ना हो, बिना संघर्ष किए भी उसको ऐसा माहौल मिल जाए, उसको ऐसा क्लाइमेट मिल जाए कि वो अपने सपनों को पूरा कर ले। ठीक उसी प्रकार मेडिकल के क्षेत्र में भी मेरा यही है कि आज बहुत सारी डिजीजें हैं जिसके वजह से आम इंसान की डेथ हो जाती है, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, उसके पैसे के अभाव रहते हैं। ऐसी हालत में मैं उसे मेडिकल, मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो मिशन है, उसको बिना संघर्ष किए हुए तुरंत उसे अच्छी मेडिकल सुविधा मिल जाए। मेरे ही परिवार में मैंने देखा है पैसे के अभाव में तुरंत उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिली, मेरे बहुत से रिलेटिव की डेथ हो गई। हम लोग बाहर रहते हैं, गांव में वो लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज देश में जिनको वो सुविधाएं नहीं मिलती और उनकी डेथ हो जाती है, उनका इलाज, उनका उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती और उनकी डेथ हो जाती। तो हमारा सिद्धांत है कि हर आदमी का हक है ये सब बुनियादी चीज़ें उनको मिले। आज बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आज देखो आप इस रेलवे स्टेशन पे, बस डिपो में भी भिखारी भीख मांगते दिखते हैं, बहुत गरीब आज तक पाथों पे सोते हैं। क्यों क्यों हम पिछड़े हैं, ये सोचने वाली बात है। तो हमारा सिद्धांत क्या है कि हर आदमी बीच धनी बने, संपन्न बने, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर उसमें हाथ में ताकत है तो वो मुट्ठी बन जाती है, वो पकड़ सकती किसी चीज को। तो हमें अपने उंगलियों, अपने बाहों में, अपने हाथों में ताकत पैदा करनी है। तो हमारा विजन मिशन इसी प्रकार से है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसकी फीस बहुत कम होगी, जिससे हर बच्चा हर अपने हर सपने को बिना संघर्ष किए पूरा कर सके, जो वो चाहता है उसको वो एजुकेशन वर्ल्ड क्लास का मिले। और वर्ल्ड क्लास का मैं बिजनेस इस्टेब्लिश करूँगा,
उसी के इनकम से सारे बच्चों को सुविधा कम पैसे में भी मिलेगी। ये बिजनेस ऐसा होगा जिसमें सारी चीज़ें जिनका सभी का रेट बहुत कम होगा, नॉर्मल रेट होगा, जो सभी को इजी में अवेलेबल होगा, घर आवास जिसको बोलते हैं, खाना, न्यूट्रिएंट फूड जिसको आप संतुलित खाना बोलते हो, वस्त्र, कपड़ा, ये सब सभी सस्ते रेट में मिले, घर मिले, रहने के लिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, सारी बुनियादी सुविधाएं हमारे इस विजन मिशन में शामिल है। तो हम बेसिकली जो भी टाइम मिल रहा है मेरा डेली बेस पे, मैं वो टाइम निकाल निकाल करके आपको फ्री एजुकेशन दूंगा इसी ई प्रोग्राम से। आप मोबाइल में देख सकते हो, उसको घर पे अपलोड करके आपके बच्चे देख सकते हैं और तरह तरह का ज्ञान लाभ ले सकते हैं। तो हमारा बेसिक एम यही है कि हर इंसान धनी हो, सुखी हो, संपन्न हो, खुश रहे, हेल्दी रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, देश का हर आदमी संपन्न रहे। और ये मिशन है विजन, और मेरा विजन और मिशन मैं वर्ल्ड तक ले जाऊँगा, पूरे विश्व में फैलाऊँगा। तो आप हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। हम किसी भी किसी का आलोचना नहीं करते, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हमारे द्वारा किसी को थोड़ा भी तकलीफ ना। आज देखो गवर्नमेंट के अगर 1 लाख के बजट गांव में दिया गया है कि गांव में इसका डेवलपमेंट हो, तो आप देखोगे जनरली ये बजट पूरी तरह से गांव में लगता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, अगर 1 लाख गांव के डेवलपमेंट में हो तो वो पूर्ण तरह से 1 लाख लगना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी भावना, पवित्र भावना आनी चाहिए। हमें अपने को करेक्शन करना है, हमें समझना है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, अनुदान दिया है, तो ये मिलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं, स्टेप कदम कदम पे बहुत सारी कमियां हैं, उन्हें दूर करना है, आगे बढ़ते रहना। तो हमें दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, हमें अपने को बदलना। अगर हम अपने को बदलाव लाएंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने को बदलना पड़ेगा, अगर बदलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे विजन और मिशन में आप सपोर्ट कीजिए। आज देखो समय परिवर्तन का है, अगर कोई आगे बढ़ करके डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको करने उसको रोको। आप देखोगे आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने राजनेता हैं, सभी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर देश का बच्चा जागरूक हो रहा है, वो सोचता मैं आगे बढ़ूं। हर इंसान के अंदर आज जागृति जागृत हो गया है, वो सोच रहा है मैं आगे बढ़ूं किसी तरह से। आज नौकरी के लिए विदेशों में भागता है कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ। आज इंडिया के बहुत सारे लोग विदेशों में जॉब करते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में आप देख लो, अमेरिका में है, ब्रिटेन में, कनाडा में है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इससे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
इससे हमारा परिवार संपन्न हो, हमारा देश आगे बढ़े। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें गलत राहों में नहीं पड़ना है, हमें भटकना नहीं है, हमें अपना रास्ता भटकना नहीं है। यही हर मानव इंसान, हर इंसान का फर्ज है, यही हर इंसान का कर्तव्य है। रास्ते से भटक जाना, सही रास्ते को अपनाना, मैं आप इस कैसे आप सही रास्ते को अपनाओगे, कैसे सही रास्ते पे चलोगे, मैं मार्गदर्शन देता जाऊंगा। मैंने जो सीखा है मैं आपको छोटे छोटे एपिसोड के द्वारा मार्गदर्शन देता जाऊंगा। आप कोशिश करें अपने को संभालें, विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभालें, संतुलन बनाए रखें, आगे बढ़ें। मैं भी हर बार जॉब को बदल बदल करके काम किया है, एक जगह नहीं जमता दूसरी जगह ज्वाइन करता हूँ, दूसरी जगह नहीं काम बन पाता तीसरी जगह ज्वाइन करता हूँ। इस तरह से मैंने भी जॉब चेंज किया है और जीरो से शुरुआत की है, शून्य से शुरुआत किया है। फिर से मेरे भी मैंने भी गलतियां की हैं, मुझे भी लोगों ने दंड दिया है, मुझे भी पनिशमेंट मिला है, लेकिन फिर भी मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ और आगे बढ़ा। तो आप भी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कदम बढ़ाते रहें। वीर तुम बढ़े सबो, वीर तुम बढ़े सबो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़, फिर भी वीर तुम बढ़े सबो। तो हमें आगे बढ़ना है, किसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, हमारा उद्देश्य है, हमारा विजन मिशन है कि आप धनी बने, आप शिक्षित हों, आपके बच्चे शिक्षित हों, आपका बच्चा जो चाहता है उसका बिना संघर्ष के उसके सपने पूरे हों, क्योंकि संघर्ष करना एक क्राइम। आज आप देखोगे कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, बस है, टैक्सी है, ऑटो है, फिर भी रेलवे स्टेशन पे देखोगे टाइम से वो घंटों, तीन घंटों, चार घंटों, जो डेली ड्यूटी वाले वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल्स है, कहीं ना कहीं लैप्स है। हमें अपने को सुधारना है, जैसे जैसे हम सुधारेंगे हमारा सिस्टम सुधरता जाएगा। आप डेवलप कंट्रीज को देखोगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा या बाहर के देशों को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सब कुछ है और टाइम टू टाइम होता है। तो हमें जिस देश में रहते हैं उसका रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना है। हर इंसान को अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर आप ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं तो आप सही रास्ते पे नहीं। तो हम सभी की बेसिक जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें, हमारा अधिकार है कि हम आगे बढ़ें। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। मैं देखो कोई काम की शुरुआत करता हूँ तो मुझे बहुत परेशानियां आती हैं, हर जगह रुकावट आता है, कदम कदम पे मेरे रुकावट आता है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ, आपको नॉलेज भी देता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप भी आगे,
हर कदम कदम के संघर्ष को पार कर जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने वाणी को अभी विराम देता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हमारी प्रार्थनाएं, हमारे आशीर्वाद, हमारे पूजा, हमने जो डेली बेस पे पूजा की है, प्रार्थना की है भगवान से, वो आपके कदम कदम पे काम आएगा। और हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमने जो शिक्षा ली है, लोगों के बीच में ऑब्जर्व किया है, वो फार्मूला हम आपके सामने जरूर लाएंगे और आपको कामयाब बनाएंगे। आज देखो कोई भी अपने देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मैं ना आगे, सभी चाहते हैं और सभी का हक भी है आगे बढ़ने का। तो हम सभी मिल करके आगे बढ़ेंगे, हम पहले अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद को आगे बढ़ाएंगे, हम विश्व को, विश्व में सभी का कल्याण करेंगे, सभी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।